हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सो हम जा रहे हैं यहाँ से बिंग्स और ध्वनि की शादी में, द बिंग्सेस बाया रोड चलते हैं। तो व्लॉग लोग हमने सोचा हम भी कर लेते हैं रास्ते का, क्यों यस गाड़ी लेके जा रहे हैं हम सिद्धवाई, बिकॉज हमारी गाड़ी है नहीं, मर्सी एंड कैमरा मैन आदि के साथ। मर्सी कितना लेट करते हो, ऐसा देगा ना काम। हमारा व्लॉग है मर्सी, हमारा व्लॉग है, खराब करता हो जा रहा है। कैसा लगा हमारा टाइमिंग मर्सी? प्लीज काइंडली डोंट अब्यूज ऑन माय। मैं अब्यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपको अब्यूज करने का मन होगा। इसको एक बात बोलूंगा तो इसको, हम लोग ने कितना कौन सा वाला टाइम बताया था, निकल लेगा हाँ 10 बजे, और ये 11 बजे को क्या कर रहा था पता है? बाल कटवा रहा था। तो उसके बाद 11:30 हुआ ना, उसके बाद वो आया आके, वो नमन का सेटअप कर रहा था, तो बोलता है कि गोल्डी भाई भड़केंगे तो नहीं ना, मेरे को नहीं नहा के ही निकलना पड़ेगा। बिना नहा के आया, मतलब बाल काटने के बाद। तो मैं अभी नीचे आके नहाने जाने वाला था, वो मर्सी बोला कि नहाने जा रहा है, हाँ तो बोलते हैं गोली भाई नीचे चले गए। तो नमन का सेटअप करने ये पता है, गियर तो सीट भाई की मेरे को पहली बार पता चला। अरे इनमें स्पेस होता है ना एमजी में। हाँ भैया, और पूरी कंफर्टेबल गाड़ी है, इट्स अ गुड कार। एनीवेज गाइस, इट्स 11:47 और हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए। पहली बार ऐसे ड्यूएल के कोई मेंबर है जिसकी शादी। और नेक्स्ट किसका होगा मर्सी? नेक्स्ट आई थिंक मे बी मांबा या थंग। गाइस गेमिंग हाउस से निकलते ही हम लोग, मैं आदि और मर्सी, ये थोड़ा इस बार स्ट्रेंज हुआ, यूजुअली मैं जगा रहता हूँ, हम मर्सी तो सोता ही है ऑब्वियसली, अभी फिर सो जाएगा, लेकिन आज गोल्डी भाई भी सोए, आज मैं भी सो गया, और मैं रियलाइज कर रहा हूँ अपने आप में, समझ लो गिल्ट कि मैं क्यों सो रहा हूँ, क्यों सो रहा हूँ। मैं बार बार आंखें खोल रही हूँ, बार बार मुझे नींद आ रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरी नींद पूरी थी। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम कि मुझे ऐसे कोई नींद की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने उमंग को बोला पुणे में मला चाय पाइजे, मुझे चाय चाहिए। ये था क्रीम रोल, क्या हुआ मर्सी, क्या कर रहा था? अरे तो हिल गया हाथ में, ठीक है गोवा में भी हमें हिज्जा होगा। लगभग 3.5 घंटे हो गए हमको, 4:27, और जब हम निकले थे तो हम लोग थे 597। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे एक छोटा बच्चा आदि सो रहा है सिटी की जर्सी पहन के, उसके बड़े भाई मर्सी भाई सो रहे हैं। भगवान थका हुआ तो नहीं है ना? मिस कर रहा है किसी को गोवा की ड्राइव पे? नहीं, हमेशा तो हम लोग ही रहते हैं, और कौन, वही तो और हम लोग ही रहते हैं, वही तो तकलीफ है। जस्ट क्या हुआ गाइस, उमंग को पानी पीना था, मर्सी क्या बोला, मर्सी नींद में था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। कैसे ऐसे ऐसे कर, हां बॉटल हटा के करके दिखा जी भाई, क्या इंसान है उमंग तू यार। के बज गए हैं गाइस 7, गोवा पहुंचने में है 100 किलोमीटर, और बहुत ठंड है। ये इंसान पूरे रास्ते हेडफोन लगा के सोता है, पूरे रास्ते। सो गाइस अचानक से प्लान बना, मिडल ऑफ दी जंगल पर बहुत गाड़ियां हैं, गांव है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा क्या चल रहा है। और वो देखो व्हाट इज हैपनिंग, मेरा व्यू है, बहुत अच्छी फोटोज खींची आदि ने, थैंक यू। हम लोगों ने नया रास्ता ट्राई किया गोवा जाने का, नॉट लाइक वी यूज्ड टू कम, तो अभी देखा हम पूरा एक प्रॉपर जंगल के अंदर घुस गए, और ये रास्ता सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद जाता है, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं चीता के, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स माइट क्रॉस द रोड, ऐसा करके इट्स एक्चुअली ये जंगल जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ। अगर धड़कन पूरा एक्साइटमेंट बन गया होगा, कुत्ता दिख गया इसको दूर, फार दूर, और आगे कुछ गया है, भेड़िया चीता तो नहीं चला गया, ब्लैक कलर का था, पता नहीं क्या था, ब्लैक कलर का था, पैंथर तो नहीं, वो आगे है जंगल में। दिस जंगल इज कॉल्ड भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड वी आर 19 किलोमीटर्स आउट फ्रॉम द मेन हाईवे,
लगे हुए जानवरों के. दिस इज वेरी थ्रिलिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस. अर्ली मॉर्निंग 9 AM गोवा पहुंच गए, 20 मिनट्स फ्रॉम मार विला. और ये नाश्ता हो रहा है, मंगी जाएंगे सब पाव समोसा एंड सम इडली चटनी एंड चाय. तो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है, सुबह सुबह खुल गया यार 8 बजे, 9 बजे चालू और कस्टमर भी खड़े हैं. चलो सी यू इन द विला नेक्स्ट. फाइनली हम गोवा पहुंच गए विला में. विला में आते ही 10 बजे, बहुत टायर्ड था रात भर का तो सो गया. ये जो कैमरा मैन है पीछे, इस हरामजादे को बोला गया था कि विला के सिनेमैटिक्स ले ले. पूरे रास्ते सोने के आने के बाद ये फिर आके सोया है और एज यूजुअली काम चोरी किया है. और अभी मैंने जस्ट ड्रॉअर खोला अपना सामान रखने के लिए, ये पड़ा हुआ था. अब आई थिंक हाउसकीपिंग ने विला के ठीक से सफाई नहीं करी. जो भी आया था हमको तो जरूरत है नहीं इसकी. अभी हम लोग आए हैं तो अभी प्री बिंग्स मैरिज है, तो अभी तो हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, तो सब सामान आ गया है, खाने पीने का तौलिया पूरा लिस्ट बना के दिया था गाइस में. क्योंकि मेरे को था विला में होगा, बट विला में एज सच कुछ था नहीं. और टॉवल भी जो ये मैंने देखा उसके बाद यहाँ का यूज करने का मेरा मन नहीं है ज्यादा. तो गाइस आइए आपको फट से दिखा दे कि अपना विला कैसा है. क्यूट सा विला ये है. इधर पे आई थिंक क्या हो गया, गेस्ट लोग जो आते हैं इधर बिठाते हैं. डाइनिंग टेबल है, कल बहुत सारे लोग आएंगे तो हम लोग खाएंगे. और ये है हमारा फेवरेट जगह, ये सेक्सी का एक स्विमिंग. कूद के देखो, कूद के देखे या कुदा के देखे, कैमरा हम पकड़ सकते. और ये हमारा किचन है. और ये हमारा किचन, आओ. ये किचन फ्रिज व्रिज सब है. अभी हम लोग रह रहे हैं इधर में, थक या पोची कोई भी. पूरा विला मतलब मेन बात ये है कि रोक टोक कुछ नहीं. गाइज इट्स डे 2 और सुबह सुबह का टाइम है. हम लोग उठ गए हैं जल्दी क्योंकि रात को हैवी नाइट था. हमारे थक भाई, मर्सी भाई सब लोग बाहर घूमने गए थे, तो वो लोग सुबह आए तो मैं रात को अकेला था आदि के साथ, तो सो गया था. फिर आई वोक अप एट 6 AM. अभी हमारे कुछ मेहमान आए हैं, अभिनव दादा और माफिया भाई आ चुके हैं. ये लोग रात भर सोए नहीं है तो अब सोच रहे हैं कि ये लोग सो जाए, मैं भी सो ही जाता हूँ. सो गाइज इट्स डे 2 आफ्टरनून, सब लोग अभी भी सो ही रहे. हम लोगों ने फाइनली सोचा कि बेड पे पड़े रहने से कुछ होगा नहीं, तो हम लोग पूल में आ गए. बस मैं और आदि ही लग रहा है इस ट्रिप में पार्टनर है. और नहीं 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 डर लग रहा है. ये है हमारे 7 मिलियन भी आ चुके हैं गोवा. सब लोग किस्तों में आ रहे हैं, तो ऐसे ही एंड ऑफ द डे जब शादी खत्म हो जाएगी तो किस्तों में लोग दिखेंगे. मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स अप. अभी अभी सुबह हुई है, एकदम फ्रेश हुई है कुछ सुबह. गोवा में देख, गोवा में तुम लोग को लगता ना कि हम लोग आते हैं ये सब ऐसा वैसा कुछ भी. ये भाई लोग आते ना तो चाय सुबह होती है. ये जो हमारा ग्रुप है चाय वाला है, बाकी सब आप समझ सकते हो. बाकी गैंग इज यू नो धूत एंड स्लीपिंग माइनस मर्सी. मीट अभिनव दादा. हेलो. एक डीजे सोलो. हेलो. एक द आरपी प्लेयर. हेलो. बस और भी कुछ है तारीफ में? एक ही है मजनू शेट्टी. पानी कैसा है? मस्त गिरा के था. ओ हो बोले वो गंदा हो गया पूरा पानी. छी पूरा पानी गंदा कर दिया बाढ़ का वो. अरे मॉडल को क्या बोला था वो तो बता दो. बताओ. ओ नमन सुनो. भाई बताओ. मैंने बोला कि मॉडल जब भी मुझसे मिलता है ना मेरे को पकड़ लेता है. हाँ. तो इसने बोला क्या पकड़ता है, क्या पकड़ता है इतना कमीना ये भाड़ा खड़ू चिप चिप फेंक के मारूंगा. सही बोला. 3 2 1. अच्छा स्विमिंग रेस कर रहे हैं लोग. चल 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 चल. पापा जीत गए, पापा जीत गए. वो थक भी गया होते ना हाँ प्रा. हवाले पता चला है कि गोवा में बहुत तेज बारिश हो रही है. नो
नमन उधर ही गिर गया। सो गाइस अभी कल रात को बहुत हैवी हो गया था नाइट, तो दिन में हम संगीत का फंक्शन मैं अटेंड नहीं कर पाया। हल्दी हल्दी तभी हो रहा है गोल्डी भाई, ओह सॉरी हल्दी था, तो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है। बाकी सब लोग आए थे तो देखो हम पूरे ऐसे जगह बैठे हैं, तो बहुत गर्मी क्या थोड़ा वो ग्रीन्स और वो वहाँ बैठ के कुछ गेम खेल रहे हैं, वहाँ बैठे हैं वहाँ दिखा तेरी। हेलो गाइस, हल्दी मेहंदी हो गई, अभी रसम होने वाली है दूसरी, जिसमें संगीत है, नाच गाना होगा और वहाँ पर गेम भी खेले जा रहे यारो। इवेंट में आए अपन डांस करने कुछ देर में जरूर जाएंगे यारो। क्या अभी लॉबी बनेगी और विंग्स और पिंक्सेस में 1v1 होगा। गाइस रेगा को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ है, रेगा बाकी अपनी लाइव स्ट्रीम में बता देगा, अभी रोया है 2 घंटा आंसू बहा के। गाइस सब रेडी हो गए हैं, मैं और पहुंच ही नहीं जा रहे क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया है बहुत अनफॉर्चुनेटली। कैसे लग रहा हूँ? हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं इसको दिखा, इसको दिखा। गाइस ये है दूल्हा, बाय द वे नेक्स्ट दूल्हा ये हमारा रेडी हो रहा है, 12 तारीख को ये सरप्राइज देने वाला है, बहुत खतरनाक। अरे इसके ऊपर पहनू ना पहनू? ये तेरे मम्मी पापा की शादी का है क्या? नहीं यार मैं थोड़ी था। अरे यार मैं भी थोड़ी था। तो गोल्डी भाई ने बहुत ही अच्छा आउटफिट पहना हुआ है और घड़ी तो मेरी छोड़ दो, कौन सी बताओ? गोल्डी भाई चमक रेले, चमक रेले गोल्डी भाई, और गोल्डी भाई के बाल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे। बाल इतना ही आया था भाई, ये क्या लगता है पहनते नहीं है, लटका के छोड़ देते। ये मैंने डिजाइन करा हुआ पूरा ऑल ओवर। तू तेरा हो गया जा। तुमने गुच्ची का चश्मा डिजाइन किया, मैंने तुमको डिजाइन किया। तो व्लॉग एंड करते हैं गाइस, बाय बाय और बाद में मिलते हैं। थैंक यू गोल्डी भाई।